रेवाड़ी में आज सुबह सड़क पर उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया जब बीच सड़क पर ही रोडवेज और ट्रैफिक होमगार्ड के बीच जमकर हाथोपाई हो गए। रोडवेज कर्मियों ने कुछ देर के लिए रोड जाम कर दिया। शहर के नाईवाली चौक पर रोडवेज की एक बस बीच सड़क में रोकने और सवारियों को भरने को लेकर एक ट्रैफिक होमगार्ड और उसी रोडवेज के ड्राइवर की आपस में कहासुनी हो गई और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे के साथ मारपीट पर उतर आए। इस दौरान वहां मौजूद पुलिसकर्मियों और लोगों ने दोनों को रोकने की कोशिश की लेकिन दोनों नहीं माने और सड़क पर ही एक दूसरे के साथ हाथों पाई करने लगे। इसके बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। मामला कुछ नहीं था, ये नाईवाली चौक पे जैसे भीड़ तो लगी होती है आगे पीछे, तो एक प्राइवेट बस खड़ी थी, रोडवेज बस आगे आ गई तो उसने भी सवारी के लिए बस रोक दी, सवारी ने हाथ दिया तो होमगार्ड्स कहने लगा कि भाई चलो चलो। वो ड्राइवर ने कहा ये लग रही, इसको क्यों नहीं हटाया, मेरे ऊपर ले क्यों हटा रहे, ये पहले से खड़ी है। इस बात पे आपसी उनका तनाव बढ़ गया था। बात है बस नो पार्किंग में आपस में खड़ी हो गई थी, उसमें आपस में उसकी कहा सुनी और दोनों पक्षों का आपस में राजीनामा, दोनों पक्ष आरोप लगा रहे थे मारपीट हुई, वो आपस में कहा आपस में हुई थी, वो आपस में राजीनामा हो गया। मामी वो माफी मांग ली बोला होमगार्ड वाले ने, अब आपस में राजीनामा हो गया। रेवाड़ी से जाट टीवी न्यूज के लिए अजय अत्री की रिपोर्ट।